टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है 21 सितंबर और आज से मैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो अभी दोपहर के 4 बजे हुए हैं और मैं अभी अपने ऑफिस से आई हूँ। आज मैं जल्दी ऑफिस से छुट्टी लेकर इसलिए आई हूँ क्योंकि आज मैं जा रही हूँ जबलपुर अपने एक इम्पॉर्टेंट काम से, और वो काम है बैंक का। तो मेरा जो KYC है वो पेंडिंग था और मेरा अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, तो इसलिए मुझे अर्जेंट में अभी जाना पड़ रहा है जबलपुर। तो आज शाम को ट्रेन है और हम लोग रेडी हो चुके हैं और बस चाय पी रहे हैं। चाय पी के निकलते हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, जो कि पहले हबीबगंज नाम से था। तो अब जल्दी जल्दी फटाफट हम लोग पहुँच जाते हैं, उसके बाद मैं आपसे वहाँ पर मिलती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे घर से रेलवे स्टेशन जाने के लिए। तो हम लोग जा रहे थे, मैं और मेरा छोटा भाई। तो बस हम लोग ऑटो से जा रहे थे और ये जो हमारी ट्रिप बनी थी जबलपुर जाने की, ये सडनली ही बनी थी क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था KYC के लिए मेरे पास कोई मैसेज वगैरह तो नहीं आया था। और जब मैं अपना ट्रांजैक्शन कर रही थी तो मेरे पास ये नोटिफिकेशन आया कि मेरा अकाउंट जो है वह ब्लॉक हो गया है। तो बस अब फ़िलहाल हम लोग निकल चुके हैं और आप वेदर देख रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम था। तो मैंने ये सब यहाँ का जो नज़ारा था मैंने शूट कर लिया और मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर इसे अटैच किया है। और भोपाल का मौसम वैसे तो नॉर्मली ही ठंडा ही रहता है, लेकिन धूप वाला मौसम था, खुला खुला। और यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं रेलवे स्टेशन रानी कमलापति। ये जो रेलवे स्टेशन है पहले हबीबगंज था, अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। इसका इंटीरियर वगैरह अंदर से बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, बहुत ही सुंदर बनाया है, बहुत साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। तो आप लोग भी कभी यहाँ पे विज़िट करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सारी यहाँ पे अरेंजमेंट्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे। तो ये अंदर का एरिया है, यहाँ पर वेटिंग एरिया है, आप लोग यहाँ पर वेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन ट्रेन्स की डिस्प्ले होती रहेगी। यहाँ पे फूड कोर्ट वगैरह भी है, तो आप यहाँ पे खाने वगैरह भी खा सकते हैं। बाकी यहाँ पे नीचे ही सारे प्लेटफॉर्म हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म में आपकी ट्रेन्स हैं तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो मैं अभी जा रही हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 5 की तरफ क्योंकि हमारी जो ट्रेन आने वाली है जबलपुर के लिए तो वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे है। तो बस उसी तरफ हम लोग जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर जो बादल में कलर है और शाम का टाइम है, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू आ रहा था। हम लोग आ चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म पे और अब यहाँ पर हम लोग बस आ गए थे और वेट कर रहे थे ट्रेन का। हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे, 30-40 मिनट्स के पहले ही आ गए थे क्योंकि ट्रेन आने के पहले आप आके यहाँ वेट कर ले वो चलेगा, लेकिन लेट आए और भागते हुए ट्रेन पकड़े, इससे अच्छा है कि आप 1 घंटा पहले आके आराम से यहाँ पर वेट कर ले। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने जो टिकट बुक करवाई थी वो हम लोगों ने जनशताब्दी में करवाई थी और नॉर्मल सीट्स थी। तो एक्चुअली 5 घंटे का ही सफ़र था तो हम लोगों ने बोला नॉर्मल में ही करा लेते हैं, बैठे बैठे चले जाएंगे, क्यों फालतू का फिर इतना खर्चा करना। तो ये देखिए यहाँ पर अंदर का मैंने छोटा सा वीडियो बनाया था, ये जो आपको सीट्स दिख रही है तो आप यहाँ पर नॉर्मली बैठ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को अगर आपको बैक दर्द है या जो भी है तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि ये जो सीट्स है ना एकदम स्ट्रेट है, तो इसमें आपको आराम से लेटने को या आराम से आप बैठ नहीं सकते पीछे होके, तो एकदम स्ट्रेट सीट है ये, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन अगर आप जा सकते हैं तो प्लीज़ जाइए, और अगर नहीं तो आप कुछ और भी देख सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारी ट्रेन निकल चुकी थी 5:40 की हमारी ट्रेन थी और 6 बजे लगभग हमारी ट्रेन निकल गई थी। और ये देखिए बहुत अच्छा मौसम हो रहा था यहाँ पर। और बात रही जनशताब्दी से ट्रैवल करने की, तो ऐसे कोई इशू नहीं होता, काफ़ी अच्छा आराम से आपका सफ़र हो जाता है। मेरा नाम हो रहा है तेरे
जहाँ पर आप लोगों ने इनका सॉन्ग सुना होगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया। तो आपको नॉर्मल ट्रेन के सफ़र में डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन से कोई ना कोई मिलता रहेगा। कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अच्छे खासे रहते हैं, पैसे मांगते रहते हैं, तो उन लोगों को देना ठीक नहीं लगता, लेकिन कुछ नीडफुल लोग रहते हैं। पूरे डेढ़ घंटा ट्रेन लेट होने के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं अब जबलपुर, और ये रहा जबलपुर का मदन महल रेलवे स्टेशन। तो हम लोग यहीं पर उतरेंगे और यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे घर। तो यहाँ पर मेरी बुआ का घर है, तो हम लोग यहाँ पर स्टे करेंगे। और अब हम पहुँच चुके हैं और ये व्लॉग मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। आप लोग बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं घर। तो यहाँ पर मेरा भाई लेने आया था और हम लोग स्कूटी से जा रहे थे। तो हम लोग यूजुअली जब जबलपुर में रहते थे तो हम लोग ऐसे ही घूमते थे स्कूटी से। और बस आज बहुत महीनों बाद हम लोग ऐसे बैठे थे, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा।